नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बीडीपी इन्वेस्टमेंट में। दोस्तों आज की इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे दोस्तों नेशनल एल्यूमिनियम लिमिटेड, जिसको नालको के नाम से जाना जाता है, और दी दोस्तों BHEL भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। दोनों स्टॉक के ऊपर दोस्तों बहुत ही अच्छा ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बन रहा है, जहां पे आपको अच्छे लेवल के ऊपर आप बाई करके लो रिस्क हाई प्रॉफिट, जो हमारे चैनल का स्लोगन है बीडीपी इन्वेस्टमेंट का दोस्तों। तो उन दोनों दोस्तों स्टॉक में हम डिस्कस करने वाले हैं और अच्छा मुनाफा बन सकता है दोस्तों। जहां पे अभी मार्केट में ग्लोबल सेलऑफ चल रहा है, वहां पे आप अच्छा पैसा बना सकते हैं ये दोनों स्टॉक के ऊपर दोस्तों। कैसे तो समझते हैं दोस्तों इस वीडियो में। नेशनल एल्यूमिनियम का अभी का प्राइस है 105.85 दोस्तों, 1.31% की दोस्तों डाउनवर्ड गिरावट है। अगर 5 दिन के अंदर दोस्तों देखा जाए तो 4.30% की गिरावट है दोस्तों। और दोस्तों यहां पे आप देखेंगे कि डिलीवरी परसेंटेज है वो 23.63 है, और डिलीवरी परसेंटेज 34% रहा था दोस्तों 25 जनवरी और 24 जनवरी, जब स्टॉक बहुत ही ज़्यादा पैनिक में हुआ था। अब दोस्तों ये दोनों दिन का मैंने इसलिए आपको दिखाया है कि ये दोनों दिन हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताता हूं दोस्तों। अब चार्ट आपके सामने है दोस्तों, स्विंग लो से हमने कनेक्ट किया है 13 मार्च 2020 का, और स्विंग हाई कनेक्ट किया है 22 अक्टूबर 2021 का, तब 23.6% का रिट्रेसमेंट आता है 103.51 का दोस्तों। उस रिट्रेसमेंट को दोस्तों मैं गोल्डन ब्रेस से ब्रेकआउट बोलता हूँ, और जब वो ब्रेकआउट आया था दोस्तों पिछली बार हमने उसको एंटरटेन किया तो जबरदस्त तेजी बनी। लास्ट टाइम दोस्तों जब ब्रेकआउट आया तब आप साक्षी बने थे इस ब्रेकआउट के, आपको पता था, और हमने बहुत बार वीडियो बनाया था जब ब्रेकआउट यहाँ पे फेल हुआ था, क्यों फेल हुआ, इसको क्यों ब्रेकआउट माना जाता है, तब भी लाइव अपडेट आपको दिया था नालको का। क्योंकि दोस्तों बहुत ज़रूरी होता है, बाई नहीं कर पाओगे तो फिर दोस्तों प्रॉफिट कैसे बनेगा। और दोस्तों पहले वीक अपर गया, दूसरे वीक भी दोस्तों काफ़ी अच्छा एक 115 का हाई बनाया था, तब थोड़ा सा प्रॉफिट बुक बोलने को भी बोला था, बट 119 का हमारा फाइनल टारगेट था, वो ग्लोबल सेल ऑफ की वजह से नहीं हुआ है दोस्तों। जो फाइनल टारगेट था जो लंबी अवधि के इन्वेस्टर है उनका नहीं हुआ है, तो अब उनको क्या करना है उसके ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे दोस्तों। अब दोस्तों ग्लोबल सेल ऑफ के चलते नीचे तो आ गया स्टॉक 1035 का दोस्तों। डे का लेवल देखिए तो दोस्तों एक दिन दोस्तों नीचे गया, दूसरे दिन ऊपर आ गया, और दोनों ही दिन डिलीवरी ज़्यादा रखी हुई है दोस्तों। यानी कि बायर्स काफ़ी दोस्तों चहीता स्टॉक बन चुका है ये। कॉमोडिटी में दोस्तों जनरली बहुत ज़्यादा तवई होती है, तो उसके सामने यहाँ पे कम हो रहा है, और दोस्तों काफ़ी अच्छा मोमेंटम हमें दिख रहा है। अभी आप देखिए कि दोस्तों हम वीडियो बना रहे तब भी पॉजिटिव हो चुका है ये स्टॉक, 106 का प्राइस आ चुका है। तो दोस्तों 103.5 के आसपास जब भी आपको मौका मिले तब आप इस स्टॉक को बाई कर सकते हैं दोस्तों। और आप 15 मिनट के चार्ट के ऊपर जो मैंने आपको समझाया था जो लेवल क्यों इम्पोर्टेंट है, तो दोस्तों ये देखिए पहले ही गिरावट आई 10360 का, और जैसे ही दोस्तों लेवल को तोड़ा फिर दोस्तों स्टॉक में वहाँ पे नीचे बंद हुआ, फिर दोस्तों ऊपर आया, और फिर दोस्तों आज वहाँ से नीचे ही आ रहा है दोस्तों। तो बिल्कुल अगर लेवल तोड़ देता है 103.50 का विद पॉजिटिव वॉल्यूम के साथ, बट यहाँ पे आप देखिए दोस्तों 103.60 का था, 50 का नहीं था, इसलिए उसने दूसरे ही दिन दोस्तों थोड़ा नीचे गया। आप इंट्राडे में सेल करते तो पैसा मिलता, और दूसरे ही दिन आपको उस लेवल पे लाके खड़ा कर दिया स्टॉक ने। तो यही दोस्तों पावर होता है दोस्तों परफेक्ट लेवल का दोस्तों। तो अभी 103.50 का स्टॉप लॉस रखना है, और आपको 2 या 3 रुपये के दोस्तों स्टॉप लॉस के साथ काफ़ी अच्छा अपवर्ड मोमेंटम मिल सकता है। अगर दोस्तों गिरावट ग्लोबल सेल ऑफ रहेगा तो दोस्तों हम कुछ नहीं कर सकते, बट थोड़ा सा दोस्तों यहाँ पे सपोर्ट मिल चुका है स्टॉक का, तो अब स्टॉक को सपोर्ट मिला है तो दोस्तों दोबारा भागेगा दोस्तों। तो सिर्फ 2 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे ट्रेडिंग कर सकते हैं, और वहाँ वैसे ही सेम हाल है दोस्तों BHEL में, वहाँ पे भी दोस्तों अच्छी तेजी है 59.15 का। अब दोस्तों 5 दिन की अगर बात की जाए तो दोस्तों गिरावट थी और फिर वहाँ पे रिकवरी आई, तो यहाँ पे भी दोस्तों सेम सिचुएशन है कि क्यों गिरावट आई और क्यों रिकवरी आई वो भी समझने की कोशिश करेंगे। और दोस्तों क्वांटिटी ट्रेडेड है वो 4 करोड़ से भी ज़्यादा की क्वांटिटी, और 98 लाख का दोस्तों डिलीवरी है, तो 24.6% का डिलीवरी परसेंटेज है दोस्तों। अब हम आ चुके हैं दोस्तों बेल के चार्ट के ऊपर, और बेल में भी दोस्तों हम वीकली चार्ट के ऊपर ही दोस्तों लेवल निकालते हैं, क्योंकि लेवल जो होते हैं एक आध दिन पैनिक सिचुएशन में वो टूट जाते हैं, बट दोस्तों जब बात करते हैं हम जो लेवल होते हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं, और अच्छा लेवल वीकली चार्ट के ऊपर हमें मिल जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको मल्टीपल लेवल सपोर्ट मिल रहा है 57.44 का, और उसी लेवल को टच करके दोस्तों स्टॉक अपर चला गया है दोस्तों। तो यहाँ पे पिछली बार भी गया था, उससे पहले भी गया था दोस्तों, तो यहाँ पे दोस्तों 57 का लेवल मैंने बहुत बार आपको रेकमेंड किया है, तो आपको पता भी है इसका पावर क्या है दोस्तों।
तो बिल्कुल यहाँ पे सिंपल सा लॉजिक है दोस्तों, 57.40 का लेवल जो है उसको दोस्तों आप स्टॉप लॉस रखिए, 2 रुपये का स्टॉप लॉस रहेगा, 2 रुपये से भी कम का स्टॉप लॉस है। और दोस्तों आपको टारगेट जो है वो 63 तक के मिल सकते हैं दोस्तों। अगर कोई भी पैनिक सिचुएशन में अगर ये लेवल टूट जाते हैं तो दोस्तों बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं, बिल्कुल बेच दो दोस्तों, बिल्कुल बेच देना है, कोई किसी को पूछने की जाने की जरूरत नहीं है। अगर ग्लोबल सेल ऑफ होता है और पैनिक सिचुएशन में अगर टूट जाता है, इवन रिजल्ट भी आता है, कुछ भी बड़ा न्यूज आ जाता है और नेगेटिव सेल ऑफ आता है, तो दोस्तों बिल्कुल ये लेवल अगर तोड़ेगा भयंकर तबाही होगी दोस्तों BHEL में, क्योंकि पिछली बार मल्टीपल लेवल सपोर्ट बनाया हुआ है दोस्तों डेली चार्ट के ऊपर, आपको क्लियरली दिख रहा है। और दोस्तों प्रीवियसली जो हमें ये लेवल टूटा था दोस्तों, तब थोड़ा यहाँ पे संभल गया था 50 के आसपास, बट यहाँ पे अगर ये लेवल तोड़ देगा तो फिर दोस्तों 50 तक नहीं, मुझे लगता है कि दोस्तों 42 के लेवल तक पहुँच जाएगा दोस्तों ये स्टॉक। तो यहाँ पे BHEL में आपको पॉजिटिव ही पकड़ के चलना है, क्योंकि दोस्तों मार्केट बहुत ज़्यादा गिर चुका है और थोड़ा और गिरावट होगा, बट दोस्तों हर एक स्टॉक हर बार गिरेगा नहीं इतना ज़्यादा, तो आपको 2-5% नीचे चला जा सकता है, बट दोस्तों बड़ा प्रॉफिट यहाँ पे आपको मिल सकता है। अगर आपका स्टॉप लॉस सटीक होना चाहिए बस, तो आप स्टॉप लॉस 57.40 का पकड़ के यहाँ पे 63 तक के टारगेट के लिए यहाँ पे दोस्तों बाइक कर सकते हैं BHEL में दोस्तों। तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच दोस्तों।